किचन्स ब्लॉग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल नूडल्स। तो यहाँ मैंने सबसे पहले नूडल्स लिए, 3 से 4 पैकेट मैंने नूडल्स के लिए थे, उनको बॉयल कर लिया था। और ये मेरे पास पड़ी एक प्याज और मटर भी मैंने बॉयल किए थे, और ये गाजर बारीक काट के रखी है, और शिमला मिर्च और चिकन को बॉयल करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। और गाजर और शिमला मिर्च को मैंने बॉयल नहीं किया था, बस मटर को बॉयल किया था। तो आइए हम नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले ऑयल लिया था 3 से 4 टेबलस्पून, पैन हमारा गर्म हो गया तो पहले मैंने रख दिया था। और यहाँ इसके अंदर जाएगा चिकन, चिकन पहले बॉईल हुआ है, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है हमने। ये देखें चिकन हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर हम डालेंगे गाजर, शिमला मिर्च और मटर, और इनको अच्छी तरह हिलाना है। और अब इसके अंदर मसाला जाएगा। मसाला ये जो नूडल्स के पैकेट के अंदर से निकलता है ना, ये मैं 2 डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि ये आप लोगों ने फेंकना नहीं, ये भी यूज़ करना है अंदर। ये देखिए मैंने 2 पैकेट इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी इसके अंदर, और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, और 1 से 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट आप लोगों ने अच्छी तरह मिक्स करना है, चम्मच हिलाते रहना, क्योंकि इसके अंदर कोई पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होना, बस घी में या ऑयल में ये चीज़ें फ्राई करते हैं। ये देखें वेजिटेबल और चिकन हमारा तैयार है, अब हम इसके अंदर डालेंगे नूडल। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसके अंदर जाएगा केचप, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिए थे, और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें वेजिटेबल नूडल्स और सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो गया है, और अब हम इनको डिश आउट करते हैं।